और अब बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने सूरत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2019 के मानहानि मामले को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर घबराहट है। जब राहुल गांधी संसद में अडानी के मुद्दे पर बोलते हैं तो राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाता है। इससे साफ है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हम सूरत में अपनी एकता दिखाने आए हैं, हम देश को बचाने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश देख रहा है कि इंदिरा गांधी के पोते और राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी के साथ आज कैसा व्यवहार किया जा रहा है। आपको यहाँ बताते चलें कि राहुल गांधी ने 2019 के मानहानि मामले में अपनी 2 साल की सजा के खिलाफ सूरत के सेशंस कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है और मामले की सुनवाई अगले 13 अप्रैल को होगी। इस दौरान छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। साथ ही राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रही और साथ ही दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मौजूद थे। जो कुछ घटनाएं घटी है देश के अंदर, सूरत से शुरू हुई है, तो सूरत के पहले शुरू हो चुका था षड्यंत्र। जिस प्रकार षड्यंत्र किया गया, जब से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई और पूरे देश ने आशीर्वाद दिया राहुल गांधी जी को, और जो 4 मुद्दे थे उनके, वो मुद्दे ऐसे थे कि चाहे जिस यात्रा का मार्ग नहीं भी था, रास्ता नहीं था, तब भी उन राज्यों में भी महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत भाईचारा आपस के अंदर सभी जातियों में धर्मों में नॉन वायलेंस, और 4th मुद्दा था गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है। सरकार ऐसी घबरा गई है, तभी से षड्यंत्र शुरू हो गया। कुछ कारण नहीं है कि आप पार्लियामेंट मेंबर को, मैं भी 5 बार आऊँ पार्लियामेंट के अंदर, कि आप उनको माइक बंद कर दो, आप उनको माफी मांगो नारे लगा रहा विपक्ष की बजाय सत्ता पक्ष, और डिस्टर्ब कर रहा उसको कौन, सत्ता पक्ष, ये भी अनहोनी थी। फिर उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे हाउस के अंदर, एक कायदा होता, नियम होता है कि अगर आपका आरोप लगा है तो वापस जवाब देने का आपको टाइम मिलेगा। उसके लिए राहुल गांधी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर साहब पर गए, वो उन्होंने परवाह नहीं करी क्योंकि वो दबाव में है। सारी संस्था जो दबाव में है देश के अंदर, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का तो तांडव है देश के अंदर, गुजराती सब जगह जहाँ उनको इशारा होता है, जहाँ चुनाव होते पहले ईडी पहुँचती, फिर पहुँचते मोदी जी और अमित शाह जी। तो ये जो चल रहा है, फिर जुडिशरी पे जो दबाव है, चुनाव आयोग पे दबाव है, उसी प्रकार से लोकसभा स्पीकर दबाव रखता है। वो तुम्हारे राजस्थान के ही हैं। हमें दुख हुआ कि राजस्थान का मेंबर पार्लियामेंट, जिनको एक मौका मिला लोकसभा स्पीकर बनने का, स्पीकर बनने के बाद में वो निष्पक्ष होकर व्यवहार करे लोकसभा के अंदर, इसकी बजाय अगर आप बोलने नहीं दिया उनको, और फिर आप देख ही लिया कि जिस प्रकार ये केस चल रहा था 4 साल पहले का, उसको आपने हाईकोर्ट रोक लगवाई, और हाईकोर्ट की रोक के बाद में हाईकोर्ट रोक खुलवाई जब आपको सूट किया, और फिर 1 महीने के अंदर फैसला हो गया। तो राहुल गांधी ने कहा है कि मैं कोई हाउस में रहूं या नहीं रहूं, मैं कोई घबराने वाला नहीं हूं, मैं देश की आवाज बन के अपनी बात कहता रहूंगा। मैसेज ये कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं कि जो कुछ देश में हो रहा है, देश को बचाने के लिए, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी अपनी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए, पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित कैसे करें, और राहुल गांधी का पिता, उनके पिताजी राजीव गांधी शहीद हो गए, उनकी दादी शहीद हो गई, उनके पोते को, उनके बेटे को आप जिस रूप में ट्रीट कर रहे हो, ये देश देख रहा है।